हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं 2018-19 में लॉन्च की गई पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में विस्तृत जानकारी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है और इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये इस बैंक PU SSC CGL आपके रेलवे और NTPC ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स बुक और उस राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है, पहला बुक है इस वीडियो का, कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित जीवन और अनुभवों पर लेखन का संकलन। ठीक है, बुक का नाम है एक जीवन पर्याप्त नहीं है। ये जो बुक है ये लिखा गया है नटवर सिंह के द्वारा, और इसमें है विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित जीवन और अनुभवों पर लेखन का संकलन है ये किताब। ठीक है, समाचार पत्रों में प्रकाशित जो लाइफ होता है और उस पर एक्सपीरियंस जो होता है, ये इसी का कंपोजिशन है इस बुक में, एक जीवन पर्याप्त नहीं है, ये नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है उत्थाना प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरे आध्यात्मिक अनुभव, ये लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी जी के द्वारा। इसमें है कि स्वामी जी की आँखों के माध्यम से आत्म एहसास की यात्रा, ये किताब में इसी पर यह किताब बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए रेड टेप टू रेड कारपेट और फिर कुछ, ये है किताब का नाम, और ये किताब लिखा गया है गीना रेनहार्ट के द्वारा। यह किताब चर्चा करता है कि कैसे नियम और लाल टेप प्रतिकूल रूप से किसी देश के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। निश्चय संदेश से परे गांधी जी की हत्या पर एक दस्तावेज, ये तिस्ता सेटल वार्ड के द्वारा लिखा गया है, और इसमें है कि गांधी जी की हत्या से संबंधित मराठी हिंदी और गुजराती में अभिलेखीय दस्तावेजों का संग्रह है ये किताब। ठीक है, हिंदी मराठी गुजराती में अभिलेखी दस्तावेजों जो कि रिलेटेड है गांधी जी की हत्या से, उसका ये संग्रह है ये किताब। किताब का नाम क्या है, संदेह से परे, ठीक है, गांधी जी की हत्या पर एक दस्तावेज, ये बुक का नाम है, लिखा गया है तिस्ता सेटल वार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ये बुक लिखा है अनुराधा राय जी ने, और आधुनिक दुनिया में धर्म प्रेम और हिंसा के बारे में यह एक वर्तनीबाजी कहानीकार द्वारा एक उपन्यास है। नेक्स्ट है फ्लड ऑफ फायर, लिखा है अभिनव घोष ने, ये IBS ट्रायलॉजी की अंतिम यात्रा के बारे में बताता है। नेक्स्ट हाउ टू बी बोथ, अली स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, और यह कला की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में एक उपन्यास है, और यह रूपों समय सत्य और कथाओं के बीच एक तेजी से चलती शैली झुकाव की बातचीत है। नेक्स्ट मोदी एक स्टार का अविश्वसनीय उद्भव, यह तरुण विजय के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक नरेंद्र मोदी के जीवन और आर्थिक दृष्टि के आधार पर एक जीवनी है। नेक्स्ट है सौरव गांगुली क्रिकेट कप्तान और विवाद, यह लिखा है सप्तर्षी सरकार ने, और यह पूर्व भारतीय कप्तान की जीवनी है, यानी सौरव गांगुली की ये पूरी जीवनी है इस किताब में, सौरव गांगुली क्रिकेट कप्तान और विवाद, पूरी ये इनके ऊपर बेस्ड है ये बुक। ठीक है, ये लिखा है सप्तर्षी सरकार जी ने। नेक्स्ट है रेड साड़ी, जेवियर मोरो के द्वारा लिखा गया है। रेड साड़ी जो होता है ये एक ऐसी असाधारण महिला की कहानी है जिसने प्रधानमंत्री पद को भी ठुकरा दिया हो और उसके घर परिवार व बेनाम सपनों को नियति ने कुचल कर रख दिया। ठीक है, ये इसी कहानी पर इसी पर फैक्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट है फरिश्ता, किताब का नाम है फरिश्ता, ये लिखा है कपिल इसपुरी ने, और फरिश्ता एक पिछली आघात से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही एक महिला की गहरी गतिशील और तेज गति वाली कहानी है, और इस प्रक्रिया में एक नया समुदाय, एक नया प्यार और स्वयं की एक नई भावना खोज रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है परमवीर परवीन जो है ये लिखा है प्रभाकरण जैन ने, और ये पुस्तक 1947 से 1965 तक परमवीर चक्र अवार्डियों की बहादुरी को दर्शाती है। नेक्स्ट है बेंच के पार, यह किताब लिखा है भारतीय सैन्य न्यायिक प्रणाली में अंतर्दृष्टि, ये पूरा किताब का नाम है, और यह लिखा है ज्ञान भूषण जी ने। ठीक है, बेंच के पार भारतीय सैन्य न्यायिक प्रणाली में अंतर्दृष्टि,
ये एक किताब का नाम है और लिखा है ज्ञान भूषण जी ने। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय और पदोन्नति को कवर करने वाले विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर AFT के ऐतिहासिक निर्णयों और निर्णयों का एक संक्षिप्त सटीक रिकॉर्ड है। ओके, नेक्स्ट देखिए द डायरी ऑफ अ डोमेस्टिक दीवा, ये लिखा है शिल्पा शेट्टी ने, ठीक है, ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। तो ये लिखा है डायरी, द डायरी ऑफ अ डोमेस्टिक दीवा। इस पुस्तक में अभिनेता और उद्यमी जो आपके होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आपको 50 सबसे विशेष व्यंजनों के बारे में बताती हैं, ठीक है, और इनमें से कुछ इंस्टाग्राम पर अपने लोकप्रिय रविवार बिंग वीडियो में भी शामिल है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इस किताब में। नेक्स्ट देखिए इम्परफेक्ट, संजय मांजरेकर, इम्परफेक्ट जो ये किताब है, यह लिखा है संजय मांजरेकर जी ने। यह पुस्तक लेखक के क्रिकेट कैरियर, उनके जीवन के बारे में है और उनकी ताकत और कमजोरियों, सफलताओं और असफलताओं के बारे में। नेक्स्ट है बॉलीवुड फिल्म्स, द सॉन्ग्स एंड द स्टार्स, ये बुक लिखा है अमिताभ बच्चन जी ने, ठीक है, बॉलीवुड फिल्म्स द सॉन्ग्स एंड द स्टार, बच्चन जी ने, ओके, अमिताभ बच्चन जी ने ये लिखा है। और पुस्तक बम्बई में उत्पादित आकर्षक फिल्मों के बारे में है जिन्होंने न सिर्फ भारतीयों बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिल पर कब्जा कर लिया है। और बॉलीवुड आपको हिंदी सिनेमा की कई हाईलाइट शुरुआती फिल्मों से लेकर आधुनिक दिन की रचनाओं के दौर पर लेके जाता है। नेक्स्ट बुक है व्हाट आई डू, ये लिखा है रघुराम राजन के द्वारा। यह पुस्तक 2013 में RBI में शामिल होने पर आर्थिक संकट के दौरान सामना करने वाले संघर्ष के बारे में है। नेक्स्ट बुक है एडवांस्ड इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, ये लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सिजल पाल सिंह ने। और नेक्स्ट बुक है द डेमोक्रेटिक डाइट, द इंदिरा गांधी ईयर्स, ये और ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, पूरा बुक का नाम है द डेमोक्रेटिक डाइट, द इंडिया गांधी ईयर्स ऑटोबायोग्राफी, ये लिखा है प्रणब मुखर्जी जी ने। हाउ मोदी वोन इन इज रिटन बाय हरीश खरे। वंदे मातरम, ये बुक लिखा है पंडित प्रमोद कुमार मिश्र जी ने। सोनिया गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये लिखा है रानी सिंह ने। दौड़, ये किताब लिखा है ममता कालिया ने। द नेम शेक एंड द लॉलैंड, लिखा है झुम्पा लाहिड़ी जी ने। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में इसको शेयर ज़रूर से कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बुक और लेखक, किताब और उनके लेखक, ये सभी लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज की जो पेपर होता है उसमें, ठीक है। अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर से देख के जाइएगा, SSC CGL, ठीक है, सभी आप अपना देख लीजिएगा। तो इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोग को मिलता रहे। और इस तरीके की और भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है स्टूडेंट्स, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से उसका लिंक देख कर वहाँ से वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके का जो ये आगे का इसका भाग है, ये हम लोग अगले भाग में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।